आज इस वीडियो में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले, जिसको आईसी बोला जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इसमें बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही बुलेट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो और आपको एकदम सटीक जानकारी मिले। तो क्या क्या बुलेट्स पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेंगे कि जैसे कि बुलेट्स पॉइंट जहां से शुरू होती है कि आईसी क्या होता है, आईसी किसको लेना चाहिए, आईसी किसको लेना नहीं चाहिए, आईसी को लेने में कितना फी लगता है, आईसी को लेने में कितना समय लगता है, आईसी को लेने में क्या क्या एडवांटेज है और आईसी को लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये सारे जो बुलेट्स पॉइंट है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Hi, I am Biswanath Sanda. By education, I am an engineer and by profession, I am a successful entrepreneur and exporter. मेरी जो लॉन्ग स्ट्रेस एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तौर से और बहुत ही प्रिसाइसली आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा आईसी के सारे बेनिफिट्स और आईसी को लेने की प्रक्रिया। और दोस्तों, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ऐसा प्रिसाइज और एक्यूरेट वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट्स और समय की लागत लग जाती है, बहुत ही समय देना पड़ता है। तो अगर इसमें से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता हो तो आप इसको लाइक शेयर करके आपका प्यार जताएं, ताकि मेरी मोटिवेशन बना रहे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो पहले हम बात करेंगे कि आईसी क्या होता है। आईसी एक 12 लेटर कम डिजिट नंबर होती है, जो कि डीजीएफटी के द्वारा दिया जाता है। टिपिकली आज ये जो आज के टाइम पे जो आपके पैन कार्ड होता है, फार्म का हो या प्रोपराइटरशिप केस में प्रोपराइटर का हो, वो पैन कार्ड को ही आईसी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो जैसे कि आपके पैन कार्ड में लेटर और डिजिट रहती है, सिमिलरली आपके आईसी कोड वही हो जाता है और इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करती है। अभी ये जो आईसी है वो किसको लेना चाहिए, कोई भी प्रकार की फार्म या कंपनी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहती है तो उसको आईसी लेना मैंडेटरी है, क्योंकि आईसी ना लेने से ना कस्टम क्लियरेंस हो पाएगी, ना गवर्नमेंट की जो भी प्रकार की स्कीम की सुविधा है वो मिल पाएगी। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, इंसर्ट समझ लीजिए, आईसी के बगैर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आने में बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अभी हम बात करेंगे कि आईसी किसको जरूरत नहीं है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, अगर आप कोई इंडिविजुअल है या कंपनी है, और जैसे कि आईटी के सर्विस हो गया, सीए के फाइनेंस सर्विसेज हो गए, अगर इसको आप कहीं प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट में आप रेमिटेंस लेते हैं, तो आपको आईसी लेने की जरूरत है नहीं। और अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी प्रकार की वस्तु बाहर से कंट्री में मंगाते हैं या कंट्री से बाहर भेजते हैं और उसमें कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो उस केस में भी आपको आईसी की जरूरत नहीं होती है। जब तक वो कमर्शियल ना हो तब तक आपको आईसी की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो आईसी है इसको लेने में कितना फीस लगता है, आईसी को लेने में आईसी का जो गवर्नमेंट फी है वो 500 रुपीज है। अगर आप खुद इंटरनेट के ऊपर, बहुत ही ये सेल्फ ड्रिवन है, वेबसाइट के ऊपर प्रोसेस है, आप आराम से खुद भी निकाल सकते हो। अगर आप खुद निकालते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज पे करना रहेगा। अगर कोई एजेंसी को आप देते हो तो एजेंसी का जो भी सर्विस चार्जेस 1000 लेकर 2000 तक रहती है, आपको उतना पे करना है प्लस 500 रुपीज। तो इसका फी टोटल इतना होता है। अभी इसको लेने में कितना समय लगता है, आईसी को लेने में पहले जब डिजिटल प्रोसेस नहीं था 1 to 7 days लगता था, लेकिन अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो यह ऑटो जेनरेटेड प्रोसेस है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया सही रहा तो आपको विदिन 1 day डीजीएफटी के द्वारा मेल में और एसएमएस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वो लिंक से इसको विदिन 1 day में डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी जो डीजीएफटी में प्रोफाइल है वो प्रोफाइल के अंदर जाके आप इसको विदिन 1 day डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको लेने में मैक्सिमम आज के डेट में 1 day ही लगता है। अभी आईसी किस प्रकार काम करता है, जैसे कि इंपोर्ट के केस में अगर कोई भी प्रकार के गुड्स आप कंट्री के अंदर इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो आपको उसको कस्टम क्लियरेंस करने के लिए कस्टम के द्वारा आईसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जब भी आप वो गुड्स को इंपोर्ट कराने के लिए बाहर पैसा भेजेंगे, अब्रॉड पैसे भेजेंगे, तो आपको बैंक के द्वारा भी आईसी को मांग करा जाएगी कि आप आईसी दिखाइए। तो आपको बैंक में भी आईसी दिखाना पड़ेगा और कस्टम क्लियरेंस के लिए भी आईसी दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट के केस में जब आप वस्तु को बाहर भेज रहे होते हैं तो कस्टम क्लियरेंस के लिए कस्टम एजेंसी आपको आईसी की मांग करेगी। और जैसे कि आप बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस जब रिसीव करेंगे तभी भी बैंक के द्वारा आईसी को दिखाने के लिए मांग की जाएगी। तो बैंक और कस्टम क्लियरेंस के लिए आईसी बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है और ये इस प्रकार काम करता है। और इसको लेने में क्या क्या एडवांटेज है, इसको लेने में जो एडवांटेजेस है, क्योंकि इसको रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आती है, इसको कोई भी दूसरा फी या दूसरे प्रकार की जो भी रिन्यूअल करने की प्रोसेस है इसमें नहीं है। हाँ, ईयरली आपका जो केवाईसी है वो अपडेट करना रहता है, ईयरली आप वो थोड़ा अपडेट कर देंगे, इसके अलावा इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा एडवांटेज ऐसा है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही सिमलेसली कर सकते हैं।
और जो भी गवर्नमेंट के जो भी फायदे हैं आप उसको सारे के सारे प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि आईसी को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो प्रोप्राइटर की पैन कार्ड, खुद का पैन कार्ड लग जाती है। अगर कंपनी या ओपीसी, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड इस प्रकार की कंपनी है तो आपको फार्म या कंपनी के जो पैन कार्ड है वो लगेगा। और उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, या तो आपकी जो अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है रेंट अग्रीमेंट देना पड़ेगा जिसमें एड्रेस प्रॉपर हो, या तो अगर खुद का प्रॉपर्टी हो आपको सेल्स डीड देना पड़ेगा। ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल जाता है। उसके अलावा आपके जो कंपनी के करंट अकाउंट हो उसका चेक लगेगा, और अगर पार्टनरशिप फार्म हो तो पार्टनरशिप डीड लगेगा, और अगर आपके कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी इस प्रकार की कंपनी है तो आपको जो मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो लगेगा, और लास्ट में जो लगता है वो आधार कार्ड। अगर प्रोप्राइटरशिप फार्म है प्रोप्राइटर के जो आधार कार्ड है वो लगता है, अगर आपकी कंपनी है जो ऑथराइज सिग्नेटरी रहता है उसके ही आधार कार्ड लगता है। तो एक ही डायरेक्टर हो, एक ही पार्टनर हो, उसी का ही आधार कार्ड लगता है, सभी के नहीं, उसका आधार कार्ड लगेगा। तो ये इतने ही डॉक्यूमेंट है जो कि आईसी लेने में आपको लगता है, और इस डॉक्यूमेंट के अलावा और आपको कोई भी प्रकार की डॉक्यूमेंट आईसी लेने में जरूरत नहीं पड़ता। दोस्तों आई होप इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर, प्रिसाइस और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम रहा हो, जो कि हमेशा टॉप मोस्ट मेरी प्रायोरिटी पे रहता है। अगर ऐसा हो और आपकी समय की वैल्यू आपको मिला हो तो प्लीज इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन का आइकन है, आप उसको प्रेस कर दें ताकि जो अपकमिंग बिजनेस रिलेटेड वीडियोस ऐसे रहेंगे तो आपको उसके जो नोटिफिकेशन है इजीली मिल पाएगा। और इस प्रकार के वीडियो को ज्यादातर वर्स्ट टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको जो बिजनेस रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड खास करके इन्फॉर्मेशन मिल पाए, तभी जाके ये वीडियो मैं बनाता हूं। तो आप थोड़ा इसको लाइक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, वही मेरी मोटिवेशन है। Thank you very much for watching this video.